सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम तापीय चालकता वाली धातु कौन सी है? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चांदी में सबसे अच्छी तापीय चालकता होती है, जिससे यह गर्मी को जल्दी से संचारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है सभी रोगों की खोज, मानव जीनोम का पूर्ण अनुक्रमण, नए दवाओं का निर्माण या फिर नई बीमारियों का पता लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मानव जीनोम का पूर्ण अनुक्रमण। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम का पूरा अनुक्रमण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा सौर पैनल में उपयोग की जाती है? आपके ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय ऊर्जा। सौर पैनल की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जो सौर पैनल होते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में प्लाज्मा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ठोस अवस्था को, द्रव अवस्था को, गैसीय अवस्था को या एक विशिष्ट गैसीय अवस्था को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एक विशिष्ट गैसीय अवस्था। प्लाज्मा गैसीय अवस्था का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें आयनित कण और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपके ऑप्शन है अणु, परमाणु, तत्व या फिर आयन। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। रासायनिक तत्वों में सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं जब वह बच्चा होता है? आपके ऑप्शन है 206, 300, 250 या फिर 215। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, 300। एक नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो बड़े होने पर मिलकर 206 हड्डियों में बदल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है? आपके ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का एक दिन सूर्य की परिक्रमा का सबसे लंबा होता है और लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी या फिर नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के भीतर ध्वनि की गति ठोस की तुलना में कैसी होती है? आपके ऑप्शन है अधिक, कम, समान या फिर बदलती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कम। द्रव के भीतर ध्वनि की गति ठोस की तुलना में कम होती है, क्योंकि ठोस में कणों के बीच संपर्क अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक विज्ञान में यानी कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी कोड किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है 0 और 1 का कोड, 1 और 2 का कोड, 2 और 3 का कोड या फिर 0 और 2 का कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 0 और 1 का कोड। बाइनरी कोड 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीवित पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है रेडवुड, ऑक, पाइन या फिर बांस। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, रेडवुड। रेडवुड पेड़ पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीवित पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परत में चंद्रमा की सतह की विशेषताएं क्रेटर और पर्वत स्थित हैं? आपके ऑप्शन है क्रस्ट, मेटल, क्रोर या फिर आंतरपार्श्व। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। चंद्रमा की सतह की विशेषताएं जैसे क्रेटर और पर्वत क्रस्ट परत में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Cl है? आपके ऑप्शन है कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन या फिर क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन।
क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक सीएल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकदार तारे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है खगोल शास्त्र, सितारा विज्ञान, स्टारोलॉजी या फिर अंतरिक्ष विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सितारा विज्ञान। चमकदार तारे और उनके व्यवहार का अध्ययन सितारा विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है? आपके ऑप्शन है बर्फ, लोहा, सोना या फिर पारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ। बर्फ का पिघलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही तापमान बढ़ता है बर्फ पिघलना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है क्रस्ट, कोरोना, फोटोस्फियर या फिर सियाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना। सूर्य की बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, जो सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से की परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे तेज गति से भूमि पर चलने वाला प्राणी कौन सा है? आपके ऑप्शन है चीता, घोड़ा, कंगारू या फिर बाघ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, चीता। चीता भूमि पर चलने वाला सबसे तेज गति से चलने वाला प्राणी है, जो 60 से 70 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर क्रमबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन है उनके परमाणु द्रव्यमान, उनके परमाणु संख्या, उनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना या फिर उनके रासायनिक गुण। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, उनके परमाणु संख्या। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा परत सबसे गर्म है? आपके ऑप्शन है क्रस्ट, मेंटल, क्रोर या फिर ऊपरी मेंटल। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, क्रोर। पृथ्वी का क्रोर सबसे गर्म परत है जिसमें उच्च तापमान और दबाव होता है।